नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। बैंक अभी मौजूद हैं सिवान में और हमारे साथ बिहार की राजनीति और सिवान की राजनीति पे चुनावी चर्चा करने के लिए मौजूद हैं महताब आलम, जो कि यूनाइट अगेंस्ट हेट के प्रभारी हैं और राजनीति में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इनसे जानेंगे कि खासकर सिवान की चर्चा करते हैं तो सिवान में किसका पलड़ा भारी है। एक तरफ हिना साहब हैं, दूसरी तरफ कविता सिंह हैं। देखिए, ये जो चुनाव है, चुनाव बहुत ही संजीदा है। चुनाव के जो मुद्दे हैं वो पिछले चुनाव के मुद्दों से मिले जुले हैं। जब नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि मैं युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दूंगा, जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि 15 लाख रुपया दूंगा, जब बोलते हैं तुम लाइन में तुम क्या 2 घंटे के लिए लाइन में नहीं लग सकते हो, और मैं डिमोनेटाइजेशन कर रहा हूँ, इससे नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा, इससे ब्लैक मनी वापस आ जाएगी। जब ऐसे माहौल में ऐसे संजीदा वादों के पे जब जनता यकीन करके उनको वोट देती है और एक उम्मीद की में ये, और उसके बाद धोखा खाई हुई जनता जिसे इस बात का एहसास होता है कि हमारे साथ धोखा ही ना हो, धोखा ही सिर्फ नहीं हुआ है, हमारे जो देश का संविधान है और संविधान की जो रूह है जिसमें जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फैटर्निटी की बात होती है, उसे छीन लेने की बातें हो रही है। जब मौजूदा जो सरकार है, एनडीए के एक एमपी बोलते हैं कि इस चुनाव के बाद से कोई चुनाव नहीं होगा, जब अमित शाह जैसे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि आने वाले 25-50 साल तक चुनाव नहीं होगा, तब ऐसे में इस लोकतंत्र के खतरा होने वाले वक्त में तो हमें वैसी ताकतों पर ध्यान देनी होगी जो ये सिर्फ फासिस्ट ताकतों पर, ऐसे गुरूर ताकतों पर, ऐसे बातिल निज़ाम पर जिसकी ज़बर ज़्यादा हो चुकी है, उसको जेर करने वाली ताकतों को, एकजुट और एक मुश्त ताकत जो इनको हरा सकती, उनके पक्ष में माहौल है। रही बात कविता सिंह, जो सिवान की बातें आप कर रहे हैं, कविता सिंह और सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब की बात करें तो कविता सिंह अभी तक जो सिवान की राजनीति में अपनी जो भूमिका उनकी थी और रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति के पीछे में बैक टू पवेलियन, बैक स्टेज की राजनीति की। अभी तक उन्होंने ऐसा प्रभाव नहीं छोड़ा है कि जिससे सिवान की पब्लिक उनसे आकर्षित होकर, अट्रैक्ट होकर उनको वोट दे। और हिना साहब पिछले 10 सालों में ऐसे अनगिनत कार्य किए, ऐसे अनगिनत जन सरोकार के मामलात पे उन्होंने अपनी आवाज़ को प्रखरता से बुलंद किया, ऐसे अनगिनत जगहों पे वो अपनी बातों को रखी हैं और ऐसी मजबूती से सामने आई हैं, लोगों के बीच में आई हैं, लोगों के लिए कार्य के लिए उनकी विज़न बहुत क्लियर है। जहाँ पे कविता सिंह बार बार हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, पाकिस्तान की बात करती, वहीं हिना साहब सिवान को एजुकेशन का हब बनाने की बात करती हैं, शिक्षा और चिकित्सा की बात करती हैं, विकास की बात करती हैं, आने वाली नस्लों को सुदृढ़ करने की बात करती हैं। तो दोनों में फार डिफरेंसेस है। इफ़ वी आर गोइंग टू कंपेयर हिना साहब विद कविता सिंह, इट इज जस्ट लाइक दैट वी आर कंपेयरिंग द हॉकी विद गुल्ली डंडा, दैट मच डिफरेंसेस वी आर गोइंग टू गेट। अगर दोनों की बात किया जाए तो दोनों जो मेन चेहरा है, एक तरफ शहाबुद्दीन है, एक तरफ उनके पति हैं, तो दोनों कहीं ना कहीं बाहुबली टैग दोनों में शामिल है, तो ये सिवान की जनता को थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो रहा कि वो चुन रहे हैं बाहुबली को इस तरह का? असल में क्या है, मीडिया जो है, मीडिया अपना कार्य नहीं किया। मीडिया हमेशा एक परसेप्शन क्रिएट करता है जो कि सब अल्टर लीडर के साथ हमेशा होता है। जो जब नीतीश कुमार और जब वैसी ताकत है जो उदीन को 5 बार, 2 बार विधायक रहे, 4 बार सांसद रहे, उनको जब वोट से नहीं हरा सकी तो कोर्ट से हराने की कोशिश कर रही है और उनको फंसाने के काम किया जा रहा है, और कुछ नहीं। जो बाहुबली का इमेज है, असल में वो बाहुबली जो का इमेज नहीं है, वो जन सरोकार का, जन नेता का इमेज है। वो आज तक इसलिए हारा नहीं है, उसने संघर्ष किया, सिवान में गंगा जमनी तहजीब को कायम और दायम किया है, यहाँ पे कभी दंगा नहीं होने दिया उसके उनके रिजिम में। अभी जो है आपके जो विपक्ष में है तो उन्होंने अभी दोनों को कहा है कि हिना साहब और उनके बेटे ओसामा को पाकिस्तान भेज दिया, इस तरह के इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने अभी आपसे बात करने से पहले मैंने बोला कि जो लड़ाई है 2 विचारधारा की है,
एक विचारधारा वो है जो खंड खंड भारत को देखना चाहती है, और एक विचारधारा है जो महात्मा गांधी की विचार है जो अखंड भारत को देखना चाहती है। ये वीर सावरकर, ये जो सावरकर के विचारधारा के से प्रेरित लोग हैं, ये नाथूराम गोडसे के विचारधारा से प्रेरित लोग हैं, ये वही सावरकर है जिसने टू नेशंस थ्योरी की मांग की थी, ये वही नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। और महात्मा गांधी अखंड भारत का सपना देखते थे, ये खंड खंड भारत का सपना देखते थे। ये जो खंड खंड के भारत के विचारधारा के लोग जो हैं, जो लोग हैं वही पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, वही हिंदुस्तान से बाहर भेजने की बात करते हैं, इनकी जो बातें हैं। तो ये महात्मा गांधी, और ये कई किश्तें दे चुके हैं हम अपने खून के, क्या ये वतन क्या अब भी हक अदा ना हुआ। ये वही शहाबुद्दीन है जो कारगिल युद्ध के वक्त में राष्ट्रपति से मौका मांगा था कि मुझे भी जाने दिया जाए कारगिल वॉर को लड़ने के लिए। एक वाहिद सांसद था 545 में। क्या उसकी उसकी देशभक्ति पर आपको अभी भी प्रमाण, आपको शक होता है? उस व्यक्ति के परिवार को अगर आप ये बोलते हैं तो जनता देख रही है ना, जनता उनको सबक सिखाएगी, मानसिक दिवालियापन है। और ये तो गिरिराज सिंह है, ये इन्हीं लोगों से ना प्रेरित लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं। मुझे तो ताज्जुब है कि जो सुशासन बाबू जो अपने आप को बोलते हैं नीतीश कुमार जी, जो बोलते हैं कि मैं अल्पसंख्यकों के हित के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, मैं सेकुलर मिजाज का हूँ, वो कैसे इस तरह के बेहुदा बोली बोलने वाले को मौका दे रहे हैं? मुझे तो उनके अंदर की क्या बोलते हैं सुशांत, उनके अंदर की अंतरात्मा जग क्यों नहीं रही है, इसी पर ताज्जुब करता हूँ। क्या लग रहा है कितने सीट पे आप लोग जीत रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल कितने सीट ला रही है बिहार में? देखिए महागठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में, अब सीट का इतना ला रहा है, ये जो भी आकलन देता है वो बहुत गलत आकलन देता है कि मैं 40 की 40 सीट जीत रहा हूँ या मैं 25 सीट जीत रहा हूँ। जनता वोट जनता सोच बना चुकी है, ये खंड खंड करने वाले भारत को भगा देंगे। असल में ये टुकड़े गैंग है, ये 15 लाख रुपया ना देने वाले लोग हैं, ये लोग वादा खिलाफी करने वाले। टुकड़े गैंग तो कोई और है, कन्हैया कुमार को कहा जाता टुकड़े गैंग, अभी आप प्रधानमंत्री को टुकड़े गैंग कह रहे हैं। हाँ, ये वही लोग हैं ना जो टुकड़े टुकड़े हिंदुस्तान को करने की बात की है। अच्छा, ये किसको मानते हैं टुकड़े गैंग? कन्हैया के गैंग, कन्हैया कुमार को, जिग्नेश मेवानी को, या फिर इधर नरेंद्र मोदी को टुकड़े गैंग? नरेंद्र मोदी, हम तो अच्छा। टुकड़े गैंग उनको मानते हैं, साफ सुथरा बात है। ये ऐसे लोग हैं जो देश को हमेशा बाइफर्केट करके चुनाव लड़ते हैं। अब देखिए, कहीं शमशान कब्रिस्तान करते हैं टुकड़े किए, कहीं पे ये हिंदुस्तान पाकिस्तान करके चुनाव लड़ते हैं, कहीं पे अवन सवन करके चुनाव लड़ते हैं, कहीं पे मंडल कमंडल करके लड़ते हैं, कहीं पे दलित और स्वर्ण करके लड़ते हैं। टुकड़ा कौन कर रहा है? अच्छा, हम तो एकजुटता की बात करते हैं, समग्रता की बात करते हैं। अच्छा, आपकी संस्था जो है, आप लगातार बिहार में भी मॉब लिंचिंग से जुड़े कोई भी वाकया हो उनके परिवार से मिलते हैं, हमेशा उसको जो होता है उसको दिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये संस्था अभी आगे क्या कर रही है, आप इस पे आगे क्या कर रहे हैं? बड़ा अच्छा कदम है आप लोग जो उठाए। देखिए, ये सिर्फ बिहार ही में नहीं, पूरे देश में काम, जितने भी एट्रोसिटीज़ हैं, चाहे दलितों पर हो, माइनॉरिटीज़ पे हो, ओबीसीज पे हो, जितने भी हो, महिलाओं पे हो, किसी तरह भी ये हो, उनके लिए हम लोगों ने संघर्षरत करते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं और उसके लिए संघर्ष करते हैं, और आगे भी ये होता रहेगा। जब जब अन्याय की प्रकाष्ठा की बुलंदी होगी, न्याय संघर्षरत रहेगा, हम लोग लड़ेंगे, हम लड़ने के लिए पैदा हुए, हम लोग लड़ेंगे। चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ महताब आलम जो यूनाइट अगेंस्ट हेट के बिहार के प्रभारी हैं और राजनीति में काफ़ी एक्टिव हैं, राष्ट्रीय जनता दल से इनका झुकाव है, उनसे जुड़े हुए हैं, युवा नेता हैं, और मॉब लिंचिंग में, खासकर बिहार में कोई भी मॉब लिंचिंग होती है तो वहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो बड़ा अच्छा कदम है आपका, इसको आगे बढ़ाइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।